अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग होम शेफ विद सिमरा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से खैरियत से मज़े में होंगे। टुडे आई एम बैक विद वन मोर डिलीशियस टेस्टी रेसिपी विच इज़ कॉल्ड अ ब्रोकन ग्लास जेलो, और यू कैन कॉल्ड अ डिजर्ट ऑफ पुडिंग। तो करते हैं इस रेसिपी की शुरुआत। फर्स्टली आई एम टेकिंग अ 15 ग्राम ऑफ चाइना ग्रास विच इज़ टोटली वीगन। ये नॉन वेजिटेरियन पीपल्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने डिजर्ट और पुडिंग में, और आप इसकी जगह पर जेलेटिन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने 30 मिनट्स के लिए ऑलरेडी सोक कर लिया था और उस वाटर को मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। देन अब 200 ml वाटर में इसको बॉईल करेंगे, जब तक कि कुक करेंगे जब तक कि डिसॉल्व नहीं हो जाती। तो यहाँ पे मैंने 200 ml वाटर ले लिया है और इसमें चाइना ग्रास ऐड कर दी है। तो यहाँ पे मेरी चाइना ग्रास डिसॉल्व हो चुकी है और हम बहुत ही ईजी और डिफरेंट मेथड से डिफरेंट कलर्स ऑफ जेलीज बनाएंगे। यहाँ पर ना ही हमें जेलीज फ्लेवर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही जेली पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने चाइना ग्रास का मिक्सचर एक डिश में निकाल लिया है और इसमें आप कलर्स ऐड कर देंगे। तो फर्स्टली आई एम टेकिंग अ ब्लू कलर। यहाँ पे मैंने 2 to 3 ड्रॉप्स लिए हैं और मैंने यहाँ पे पेपलॉन कंपनी के ईडिबल फूड कलर्स यूज़ किए हैं, जो कि मैंने मंगवाए थे अमेज़ॉन से और ये मुझे 6 शेड्स मिले थे। ये ईडिबल है, हार्मफुल बिल्कुल नहीं है और इसका कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना प्यारा सा आया है। और हमारी अब करते हैं नेक्स्ट जेली। तो यहाँ पे अब मैंने फिर से चाइना ग्रास का मिक्सचर ले लिया है और अब मैं सेट करूँगी रेड कलर की जेली। तो इसमें भी 2 to 3 ड्रॉप्स मैं ऐड कर दूँगी और आप देखना कि इसमें कितना ब्यूटीफुल कलर आता है जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स से। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरी रेड जेली भी लगभग तैयार हो चुकी है और इसको जस्ट सेट होने में 25 to 30 मिनट्स की ज़रूरत पड़ेगी। देन यहाँ पे अब मैं ग्रीन जेली करूँगी। तो इसमें मैंने 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड कर दिया है ग्रीन कलर का और इसी ईजी तरह से हमारी तीनों जेलीज तैयार हो जाएंगी। इसको 30 मिनट सेट होने के लिए रख देंगे। नाउ आई एम टेकिंग अ 200 ml ऑफ मिल्क। देन इसमें अब ऐड कर देंगे 15 ग्राम चाइना ग्रास, जिसको मैंने ऑलरेडी सोक करके रखा था, एंड 1 कप ऑफ शुगर इसमें ऐड कर देंगे और इसे डिसॉल्व होने तक कुक करेंगे। तो आफ्टर 30 मिनट्स यहाँ पे मैंने अपनी जेलीज को चेक करा है और वो बिल्कुल सेट हो चुकी है परफेक्टली। यहाँ पे मैंने इसे क्यूब्स में कट कर लिया है। आप कोई अदर डिज़ाइन या शेप भी करना चाहे तो कट कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरी जेली बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत सी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही अट्रैक्टिव कलर्स हैं इसके और हमें इस तरह से जेली पाउडर या जेली फ्लेवर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत ही इजी मेथड से हमारी जेलीज बनके तैयार हो चुकी हैं। चाइना ग्रास की जगह आप जेलेटिन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे चाइना ग्रास मिल्क में डिज़ोल्व हो चुकी है। नाउ आई एम टेकिंग अ मोल्ड। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इसके जगह कोई डिश भी यूज़ कर सकते हैं या कोई बोल प्लेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके सारी डिफरेंट कलर्स ऑफ जेलीज जो मैंने रेडी करके रखी थी वो सब ऐड करते जाएंगे, इसके बॉटम में सेट कर देंगे। तो यहाँ मैंने ब्लू ऐड कर दी है। नाउ आई एम एडिंग अ रेड कलर ऑफ जेली एंड ग्रीन कलर की भी अब ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने तीनों कलर की जेलीज को ऐड कर दिया है इसके बॉटम में और मेरा मिल्क और चाइना ग्रास भी डिसॉल्व होके रेडी है। अब उसको हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमारी पुडिंग अच्छे से सेट हो सके। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है मिल्क एंड चाइना ग्रास का मिक्सचर और जेलीज हमारी सेट होने में जस्ट 25 to 30 मिनट्स की नीड थी, लेकिन इस पुडिंग को सेट होने के लिए हमें आराम से 2 आवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको 2 आवर्स से पहले इसको डिमोल्ड नहीं करना। अगर आपने 2 आवर्स से पहले इसे डिमोल्ड किया तो ये टूट जाएगी और ये अच्छे से सेट नहीं होगी। तो यहाँ पे 5 मिनट्स के लिए मैं इसे बाहर रखूँगी सेट होने के लिए एंड 2 आवर्स के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पे 2 आवर्स हो चुके हैं और मेरी जेली पुडिंग अच्छे से सेट हो चुकी है। आप इसको डिज़र्ट भी बोल सकते हैं, पुडिंग भी बोल सकते हैं और ब्रोकन ग्लास जेलो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसे करने जा रही हूँ डिमोल्ड और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से डिमोल्ड भी हो गई और अच्छे से सेट हो गई है क्योंकि मैंने इसे 2 आवर्स के लिए प्रॉपरली फ्रिज में रख दिया था। नाउ अब मैं आपको दिखाऊंगी इसे कट करके कि कितने खूबसूरत से इसके कलर्स इसमें आ रहे हैं।
तो आप ये इजीली मेथड से बना के स्पेशली अपने घर पे बच्चों को सर्व कर सकते हैं, क्योंकि घर के जो बच्चे होते हैं उन्हें डिफरेंट चीज़ें खाने की और कलरफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया और आप देख सकते हैं कि कितनी स्मूथली ये कटा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर का था। तो आप सब लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी है और आप लोग को मेरा न्यू मेथड कैसा लगा कि विदाउट जेली पाउडर भी आप कलरफुल जेलीज को कैसे बना सकते हैं घर पे। तो यहाँ पे बिल्कुल ये रेडी टू सर्व है। गो एंड सर्व योर चाइल्ड्स और फैमिली मेम्बर्स। आई होप सो कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है, और सब्सक्राइब करना लाजमी है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।